तो क्या 10 लाख मुसलमानों को कैद कर प्रताड़ित कर रहा चीन? आज बात इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं TRIPLE.COM। आमतौर पर हम किसी भी ऐसे मुद्दे पर बात करना पसंद नहीं करते हैं जो किसी सांप्रदायिक तौर पर किसी एक विशेष जाति धर्म की बात कर रहा हो, लेकिन आज चीन के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ऐसी खबरें हैं और सबूत के साथ ऐसी खबरें हैं। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चीन में एक जेल ऐसी है जहां पे 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को कैद कर रखा गया है और वहां पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ना के कई सबूत BBC जैसे चैनलों ने अपने रिकॉर्ड में रखे हैं। हम उसके भी कुछ सबूत आपके सामने पेश करेंगे। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे शुरुआत होती है इसकी। फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यूनल मैक्रों के खिलाफ भारत में पिछले कुछ दिनों से कई अल्पसंख्यक समुदायों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का साथ देने की घोषणा के बावजूद देश में कई जगह मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। भोपाल, मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर सड़कों पर चिपका कर विरोध जताया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैक्रों ने इस्लामिक चरमपंथियों के कारण इस्लाम को खतरे में बता दिया था और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके यहाँ पर एक प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए गला रेत कर मार डाला एक छोटे से बच्चे ने, क्योंकि उन्होंने पैगंबर का कार्टून दिखाकर बच्चों को पढ़ाने और समझाने की कोशिश करी थी। हालांकि ये एक करीबन 10 साल पहले भी ऐसी एक घटना फ्रांस से सामने आई थी, लेकिन इन सब के बीच विरोध का कारण चीन हम क्यों समझ रहे हैं और चीन की बात यहाँ पे करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चीन में एक जगह ऐसी है जिसके बारे में बहुत से देश जानते हैं, वो सारे देश जानते हैं जो आज फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द उसके खिलाफ नहीं बोलते। दुनिया भर में वीगर समुदाय के प्रति चीनी रवैये की आलोचना लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी मुल्क ने आलोचना भरे शब्दों के आगे कोई भी कदम नहीं उठाया है। कौन है ये वीगर जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिनको चीन ने कैद करके रखा है? चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में रहने वाले 1 करोड़ से अधिक वीगर समुदाय के अधिकतर लोग मुसलमान हैं, जो लोग खुद को सांस्कृतिक नज़र से मध्य एशिया के देशों के करीब मानते हैं। उनकी भाषा भी तुर्की से मिलती जुलती है, लेकिन हाल के वर्षों में भारी संख्या में चीन के बहुसंख्यक नस्लीय समूह हान ने चीनियों को शिनजियांग में बसना एक संवेदनशील मुद्दा बताया। वीगर लोगों को लगता है कि अब उनकी रोजी रोटी और संस्कृति खतरे में पड़ गई है। हालांकि चीन लगातार इन खबरों का खंडन करता रहा है, लेकिन इस दौरान शिनजियांग में लोगों पर निगरानी के कई सबूत भी सामने आए हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया। BBC के कार्यक्रम न्यूज़ लाइन ने कई ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो इन जेलों में रह चुके हैं। ऐसे ही एक शख्स है आमिर। आमिर ने चैनल को बताया, वो मुझे सोने नहीं देते थे, मुझे कई घंटों तक लटका कर रखा जाता था, मेरी चमड़ी में सुइयां चुभोई जाती थीं, प्लास से मेरे नाखून नोचे जाते थे, टॉर्चर का सारा सामान मेरे सामने टेबल पर रखा जाता था ताकि मैं खौफजदा रहूं, मुझे दूसरे लोगों के चीखने की आवाज़ें लगातार सुनाई देती थीं। कुछ ऐसे ही बयान और दूसरे कैदियों ने भी दिए हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं। आखिर क्यों चीन का विरोध नहीं कर पाते हैं? जानकार बताते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों को वहाँ पर हिरासत में रखा जा रहा है, टॉर्चर किया जाता है, उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पे बंदिशें लगाई जा रही हैं लगातार और उनके हर पहलू को निगरानी में रखा जाता है। दुनिया के वो मुल्क जो आज फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की खास तौर से तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की का फ्रांस के साथ एक पर्सनल दुश्मनी आप बुला सकते हैं। तुर्की अपने हथियार और फ्रांस अपने हथियार दूसरे देशों में निर्यात करने के बारे में कि होड़ उनकी लगातार बनी रहती है। उसके अलावा तुर्की की ये एक प्राइवेट दिक्कत हो सकती है कि वो ज़बरदस्ती मुस्लिम कंट्रीज़ को फ्रांस के खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन इसमें चीन का विरोध कभी भी नहीं किया जाता क्योंकि वो
बशर्ते ये चीज़ जानते हैं, ईरान इराक ये भी जानते हैं, तुर्की के पास ईरान और इराक के पास, सऊदी अरेबिया के पास अगर तेल है तो तुर्की के पास ये सब कुछ है, उसके पास संसाधन भी हैं, हथियार भी हैं और वो चारों तरफ से मजबूत है। उसकी बात इनको मानना ज़रूरी है, इन सबका आपस में कुछ ना कुछ व्यापार चलता है। और चीन जो है, चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन सभी देशों में है, एक तरीके से पाकिस्तान तो चीन के पैसे पे ही चल रहा है। तो आप ये मान के चलें कि चीन फिर अपने क्षेत्र में ऐसे समुदाय के साथ, ऐसे अल्पसंख्यकों के साथ जो भी बर्बरता करता है उसको जानते समझते हुए भी कोई भी देश उसके खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि चीन चारों तरफ से पावरफुल है। अगर वो सनकेगा या उसने अपनी मदद देना बंद कर दिया तो बहुत से ऐसे काम हैं जो इन देशों में बंद हो जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे।